This video is powered by Sony Jewelers. मैं दीति केड़िया आपके मन पसंदीदा न्यूज चैनल वायरल झाड़ सुकड़ा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं आज की कुछ ताजा खबरों के बारे में। लोगों के द्वारा बामड़ा में दो दिन का रेलवे स्ट्राइक करने के बाद झाड़सुकड़ा में विभिन्न ट्रेन घंटों लेट हो रही हैं, जिसके वजह से यात्रियों को बहुत सी असुविधाएं का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट थाना अंतर्गत टंगरपाली रास्ते में दो कार से 61 kg 811 ग्राम गांजा मिलने पर आरोपी को पकड़ने के लिए राज्य से बाहर गई झाड़सुकड़ा पुलिस। झाड़सुकड़ा स्थित किसान चौक में स्ट्रीट लाइट ना जलने की वजह से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद उन्हें झाड़सुकड़ा DHH में स्थानांतर किया गया। गांधी चौक स्थित जगन्नाथ कॉलोनी के एक मकान का ताला तोड़ करीबन 90,000 रुपए के सोने और चांदी की जेवर की चोरी की रिपोर्ट ब्रजराज नगर थाने में दर्ज हुई। बेलपहाड़ मिरर थिएटर के कलाकार कोलकाता के दमदम इंटरनेशनल फेस्टिवल में भाग लेंगे। वहां पे देश विदेश से लोग आएंगे और नाटक प्रदर्शन आज से चालू हो रहा है। झाड़सुकड़ा कलेक्टर ऑफिस के DMF कॉन्फ्रेंस हॉल में JSW कंपनी के अधिकारियों, साहस बहाल वासियों और जिला प्रशासन की एक बैठक हुई, जहां पर लोगों के काबिलियत के हिसाब से उनको नियुक्ति मिलने पर चर्चा की गई। बड़माल थाना अंतर्गत बुरखामुंडा स्थित वेदांता रेलवे यार्ड से 84 अल्यूमिनियम प्लेटें चोरी हुई, जिसके लिए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। टाउन थाना अंतर्गत सरबहाल में एक महिला को उनके पड़ोसी ने डंडे से मारकर लहूलुहान किया, जिसकी कंप्लेन टाउन थाना में दर्ज हुई है और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़माल अंतर्गत झोपड़ी पारा से 45 यूनिट देशी शराब जब्त किए और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किए बड़माल पुलिस। टिटलागढ़ में हुए स्टेट लेवल पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में झाड़सुकड़ा के दो प्रतिभाशाली लोग शैलेश भाग 59 kg कैटेगरी डेडलिफ्ट गोल्ड और प्रिया उपाध्याय 55 kg कैटेगरी ओवरऑल में गोल्ड प्राप्त किया। ऐसे ही हर दिन की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वायरल झाड़सुकड़ा द वन यू ट्रस्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ही शहर के मेन रोड से गुजरते वक्त आपकी नजर जरूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे। धन्यवाद।